नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हो एसपी स्टोन वर्किंग। तो दोस्तों, आज जो हमें कमेंट करने वाले हैं अशोक कुमार, इन्होंने कहा है भाई 25x30 की प्लॉट में होम डिजाइन प्लान ड्राइंग बनाकर बताएं, जिसमें 4 रूम किचन और लेटरिन के साथ रिप्ले प्लीज। तो दोस्तों, आज इनके कमेंट का जवाब लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने जो कमेंट में लिखा है वो इनका प्लॉट का जगह है 30x25 का, जो कि मैं आपको इसी के साइज़ के हिसाब से मैं इसमें 4 रूम का होम प्लान बताकर मैं इनके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर देखना। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने ये एक ड्राइंग बनाया है जो जिसकी लंबाई 30 फिट है और चौड़ाई 25 फिट है। तो दोस्तों, हमें 4 रूम इस तरीके से निकालने हैं कि रूम के साथ साथ हमें किचन भी निकल जाए और जीना भी हमारा इसी में बन जाए और लेटरिन भी हमारी इसमें बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसकी 30 फिट जो लंबाई है उसमें से हमने ये 2 रूम पीछे के लिए हैं। इन दोनों रूमों की साइज इधर से हमने 10-10 फिट रखी है और दोस्तों, जो बीच की हमारी जगह बची हुई है वो हमने 8 फिट रखी है। जो इसमें जो बीच में जो दीवार जो की जाएगी वो हमने बीच वाली दीवार इसमें 4-4 इंच की पर्दी रखी है, और अगर हमारी जगह कम पड़ती है तो हम ये 10 फिट वाले रूम में भी प्लस माइनस कर सकते हैं। और दोस्तों, इधर जो हमने जो रूम की लंबाई रखी है वो रखी है 11.5, बाकी हमारा जो भी और 1-2 इंच प्लस माइनस हो सकता है बॉल को छोड़कर। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ये ले लिया है। अब ये जो हमारी रूम की जो बॉल है इसको हमने 4 फिट छोड़कर और ये 8x7.5 फिट की ये हमारी किचन के लिए जगह निकाली है, और यहाँ पर हमने जो ये दोनों रूम हैं उनके यहाँ पर हमने डोर रखे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पीछे हमारी जो जगह बची हुई है 8x8 फिट की, इसमें हमें किचन निकाली है और किचन के सामने जस्ट सामने एक हम इसमें चौक भी रखेंगे, उसको भी हम 8x8 फिट का रखेंगे। जो हमारा ये रूम है, इनके 4 रूम है, चारों रूमों के डोर हमने एक ही जगह पर रख दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 फिट का हमारा डोर है, उसके बाद में हमने 1 फिट जगह और छोड़ करके 4-4 फिट ये लिया है। तो ये जो हमारा बीच वाला चौक है ये 8x8 फिट का हमारा एक चौक बच जाएगा। अब दोस्तों, हमको किचन और चौक दोनों हमने 8-8 फिट के ले लिए हैं। तो इसके बाद में जो हमारी जीना के लिए जो जगह बची हुई है वो 7 फिट बची हुई है बॉल को काट करके, तो यहाँ से हम इसमें जीना निकालेंगे 7 फिट में। 7x8 फिट में हम जीना आराम से निकाल सकते हैं। इसकी जो हम लैंडिंग जो लेंगे, जो चौताल इसका होगा, उसको हम 3 फिट इससे बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमने डिजाइन जो बनाया है इस 30x25 की जो जगह है इसके चारों तरफ जगह इन्हीं की है। इसमें हम जो हम चौताल निकालेंगे उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं 3 फिट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो हमारे चारों रूमों के वो 4 डोर्स है ही है, बाकी हमने 2 डोर अगर हम चाहे तो इसमें इधर सामने भी निकाल सकते हैं, और ये जो हम डोर इसमें बीच में जो ले रहे हैं ये रहेगा हमारा मेन डोर। ऐसी एक लॉक से हम सारे मकान को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी डोर की जो हम हाइट रखेंगे वो रखेंगे हम 6.5 फिट, क्योंकि जो हमारा चौताल आएगा वो हमारा 6.5 फिट की हाइट पर चौताल इसका आएगा। अब दोस्तों, यहाँ तक आप देख सकते हो कि जो हमने इसकी स्टेयर केस की जो चौड़ाई रखी है वो 3 फिट हमने रखी है, और 3-3 फिट में हमारे स्टेयर केस निकल जाएंगे। बीच की 2 फिट की जो जगह है वो हमारा स्टेयर केस के बीच में गैप 2 फिट आ जाएगा। अगर दोस्तों, हम इस चौक में अगर हम स्टोन भी अगर लगाते हैं तो हमें इसमें पतंग चाल में स्टोन लगाना होगा, ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। इसके लिए हम 2 कलर का स्टोन यूज ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी से जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इस तरीके से आप इसमें लगाओगे काफ़ी खूबसूरत आपको
लगेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हो कि अब हमें बनानी है लेटरिंग। तो जो जीना के नीचे हमारी जगह बची हुई है 6.5 फीट की हाइट की, उस जगह हम जीना की नीचे हम लेटरिंग यहाँ पर बना सकते हैं। तो दोस्तों इधर जो बीच में 2 फीट का जो हमने गैप दिया था स्टेयर केस के, वो गैप हमारा ऐसे ही रह जाएगा और उसके बाद में हमारा स्टेयर केस ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से चारों रूम हमारे निकल चुके हैं 10x11.5 के। और इधर जो अब हम किचन जो हमने बनाई है उसमें हम एल टाइप में सेल्फ डाल सकते हैं, स्लैब हम बना सकते हैं एल टाइप में किचन की। और ये जो हम ये हमारा चौताल बाहर निकला हुआ ये है 3 फीट, इसी के नीचे हमारा मेन डोर रहेगा अपने घर का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये डिवाइड करके और निकाला है। तो दोस्तों ये था इनके कमेंट का जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।